Alright guys, so as you know by the title, we are going to Kanatal. और इस बार हम अपने ऑफिस टीम के साथ जा रहे हैं तो गाइस हम जा रहे हैं एस क्रॉस और साथ में हमारे जा रही है इग्निस तो अभी चलते हैं आगे बाकी के अपडेट्स आपको मैं देता रहूँगा ऑलराइट जी सो वी आर ऑफ फॉर कनातल एंड टाइम हो रहा है कुछ 12:17 और हम लोग दो गाड़ियों में जा रहे हैं आई एम विद सचिन द वॉन्डरर हाय एंड जी सिंह नेशन इज इन अनदर कार एंड अभी कुछ 350 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ से और 8-9 घंटे की ड्राइव है सो देखते हैं कि रास्ते में कितना ट्रैफिक मिलता है और बाकी तो अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हो सकता है कितना भी टाइम लग सकता है फिलहाल मैप्स के अकॉर्डिंग 8-9 घंटे लगेंगे तो चलते हैं सफ़र हमारा शुरू हो चुका है और बाकी के अपडेट्स रास्ते में देते लो जी पहला ब्रेक हमने ले लिया है डिनर का तो हमारा फर्स्ट ब्रेक डिनर का हम ले रहे हैं बहुत भूख लग गई थी और ऑलमोस्ट हमें कितना टाइम हो गया है 5-7 बजने है तो तब से नॉनस्टॉप गाड़ी चल रही है खाना खाएंगे और उसके बाद आगे चलेंगे तो जी 35-40 किलोमीटर रह गया है हमारा कनाताल और हम लोग यहाँ रुके हैं सनशाइन पे चाय पीने के लिए मौसम तो मौसम देखो यार कुछ नहीं नज़र आ रहा है धुंध में छुपा हुआ है ये पहाड़ी आज धुंध में छुप गई है प्रेशर बन रहा है धीरे धीरे ऑल राइट जी तो हम आ गए हैं द कनातल ऑर्किड्स और कार पार्किंग ढूंढी जा रही है आगे हैंड पंप है वहाँ लगा देना और गाड़ी लगाने के बाद थोड़ा सा रास्ता है ट्रैक करके जाने का ऊपर अपने कैंप्स के लिए मोबाइल के नेटवर्क्स बिल्कुल नहीं आ रहे हैं शून्य है मैं मैनेजर को कैंप मैनेजर को कॉल नहीं कर पा रहा हूँ बट लेट्स सी आई होप हमने लोकल से पूछा है सो आई गेस दैट इज़ द सेम प्लेस बाकी मौसम वेरी ऑसम है वहाँ चलते हैं बात करते हैं गाड़ी लगाते हैं सामान उठाते हैं फिर आपसे बात करेंगे Look at this beautiful place.
the mighty, beautiful Kanatal. तो शुभम भाई हमें रिसीव करने आए हैं फ्रॉम कनातल ऑर्किड्स कैंप. शुभम हम थोड़ा बताओ कनातल ऑर्किड कैंप के बारे में. सर कैंप के बारे में बताना क्या है, मतलब बढ़िया ही है, सामने से हिमालय व्यू भी दिखता है. अच्छा अभी मतलब कोहरा लगा है इसके चक्कर में तो अभी दिखाई नहीं देगा मगर वैसे दिखाई देता है. ओके और शाम को बॉनफायर होगा, म्यूजिक होगा. बॉनफायर होगा, म्यूजिक होगा, खाना हमें यहीं सर्व किया जाएगा. अभी अब शुभम भाई लेके चलेंगे हमें ऊपर कैंप्स की तरफ, तो मैं आपको अपडेट दूंगा. गाड़ी लगाने की थोड़ी सी समस्या है, तो आपको रोड साइड ही कार पार्क करने का ऑप्शन मिलेगा. अदरवाइज देयर इज नो ऑप्शन फॉर पार्किंग. सो दिस इज जस्ट अ हेड्स अप फॉर एवरीवन दोज विल बी प्लानिंग फॉर कैंपिंग हियर. तो ये थोड़ी सी समस्या है यहाँ पे कनाताल ऑर्किड कैंप की, पार्किंग अवेलेबल नहीं है. बनाने का आ जाओ. वो कह रहे हैं जूस वूस पियो, सामान रखवाते हैं. टेंट कितने वाले लिए? तीन, चार वाले, तीन वाला ना, दो है ना. हां हमारे सारे सेम है. अच्छा आपको सिर्फ बेड वेट करना होता है. बेड कम ज्यादा करते हैं वरना कम कम ज्यादा नहीं करते आप. सामान रखो उसके ऊपर. ठीक है. एट द एंड ऑफ द डे इट्स स्कैम. राइट. तो हम क्या था क्यों बाहर निकालना है भाई, कोई बात नहीं. तीन बंदे हैं ना, तीन बंदे इस्तेमाल कर लेंगे, चौथे सामान रख लेंगे. Beautiful as of now. So this is the Himalayan viewpoint, but unfortunately due to this weather condition we will not be able to see the Himalaya. Let me take you to the kitchen and the dining area as well. Good morning. Good morning, sir. So this is the kitchen part and we have machan here as well. तो हमारे साथ एक क्लेश हो गया, बहुत बड़ा, बहुत बड़े वाला. और हमारे प्रभात साहब है जो हाँ. दिल्ली से यहाँ पहुँच चुके हैं. मिनते करवा के नहीं आया. बाबा है मसूरी. मसूरी तो भाइयों, एक हमारा दिलचस्प दोस्त जिसका नाम है प्रभात करीर. वो भाई साहब, उसकी मिनते कर ली हमने कि भाई चल पड़, चल पड़ हमारे साथ भाई कनातल, चल पड़. पर वो नहीं माना. आधी रात को उसमें क्या कीड़ा जागा भगवान जाने. दिल्ली से बस पकड़ के आ चुका है और मसूरी में वेट कर रहा है क्योंकि मसूरी से उसे कोई कैब या बस नहीं मिली. बारिश हल्की हल्की हो रही है अभी, बट धुंध बहुत ज्यादा है. वो बेचारा वहां पे फंसा हुआ है, तो मजबूरन
हमें उसके प्यार की खातिर वहां जाना पड़ रहा है उसे पिक करने के लिए। आ गया इसको मीने की शक्ल दे ये शक्ल दे। थैंक यू सो मच। मजेदार लगता जबकि हम मार मार के गाड़ी चला रहे हैं। इसे गाड़ी दो सर, इसे गाड़ी दो, चला दो। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो एज यू ऑल नो कल हम सैटरडे को यहाँ पे आए थे कनातल ऑर्किड कैंप। कल मॉर्निंग में तकरीबन 11:30 बजे हम लोग कैंप में आ गए थे, चेक इन हो गया था और आने के एक घंटे के अंदर ही बारिश शुरू हो गई। बारिश ऐसी शुरू हुई कि वो रात तक बारिश चलती रही, इनफैक्ट अभी भी हो रही है। इस चक्कर में वी वर नॉट एबल टू कैप्चर मोर। शाम को यहाँ पे बॉनफायर हुआ था थोड़ी देर के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वी वर नॉट एबल टू कैप्चर इट बिकॉज द वेदर कंडीशंस वर सो पुअर। हमें रैप अप करना पड़ा बहुत जल्दी। तो अभी कुछ सुबह का नज़ारा ऐसा है, फॉग की चादर पूरे कनातल में फैली हुई है। तो अभी निकले हैं कुछ मॉर्निंग वॉक करने के लिए, देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। I'll show you the Kanatal Orchid Camps. एंट्री एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूँ आप सबको, क्योंकि मुझे लगता है कि कल शायद ज़्यादा कैप्चर ना हो पाया हो, तो मैंने शॉट्स अभी तक रिव्यू भी नहीं करे। सो एज यू कैन सी दिस इज द वे टू इको कैम्प्स, और इको कैम्प्स कनातल ऑर्किड कैंप को भी कहा जाता है। और मतलब मौसम इतना बढ़िया है कि बारिश होने के बावजूद आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मैं कहाँ फंस गया आगे, ठीक है। और आई गेस यहाँ पे कुछ खेती भी होती है। दीज आर होम ग्रोन, आई गेस दीज आर वेजिटेबल्स और अ फ्रूट, बड़ी होम ग्रोन है देसी। और क्या ही कहें, काफ़ी लोग अभी तक सो रहे हैं और क्वाइट टॉक अबाउट टाइमिंग्स। सुबह के 9 बज रहे हैं अभी, सुबह के 9 बज रहे हैं। एज यू कैन सी द वे टू द कैंप्स आर प्रीटी नैरो। थोड़ा सा आपको यहाँ पे संभलने की ज़रूरत है, स्लिपरी है एरिया बारिश की वजह से, बट दिस इज द एडवेंचर। यहाँ मैं म्यूजिक डाल दूंगा थोड़ा सा। एंड दिस इज द फर्स्ट इनिशियल एंट्री गेट कनातल ऑर्किड कैंप। और एज यू कैन सी यहाँ पे कुछ नए कैंप्स भी बनाए जा रहे हैं जिनकी इन्होंने आई गेस रूफ जो है वो टिन की दी है ताकि पानी अंदर ना जा पाए, बिकॉज अभी जिस हम कपड़े के टेंट में रुके हुए हैं हालांकि दे आर वाटर प्रूफ बट स्टिल कहीं ना कहीं से पानी अंदर आ ही जाता है कैंप्स में। तो आई एम नॉट श्योर दिस इज अगेन ये कनातल ऑर्किड वालों का ही है, बट यहाँ पे भी आई गेस बहुत जल्दी एक कैंप लॉन्च होने वाला है। सो वेलकम टू कनातल ऑर्किड्स गाइस, दिस इज द प्लेस। वहाँ पे नीचे कैंप्स है और ये कुछ बहुत बारिश में आप कैसे रहे यहाँ पे, कैसे हैं, क्या ट्रेवल करूँ, क्या क्या सामान आपके पास होना चाहिए, और एक बहुत इन्फॉर्मेशन आप दें लोगों को। अभी बोला हर बार बोला। और ये एक हमारे खूबसूरत मित्र हैं जिनका नाम है अविनाश। और क्विक अपडेट, आप देख सकते हैं अभी मैं एक ये रास्ते से निकल के आ रहा था और एक पौधे ने कराया काम, उसके ऊपर कांटे लगे हुए थे तो गलती से हाथ मेरा उस पर लग गया। मेडिसिन्स आप क्या क्या लेके आए इसके लिए? आप कुछ नहीं लेकर आए, और ये मेरी उंगली सूजनी शुरू हो चुकी है इतनी देर में। हाँ तो आई एम होपिंग ये ज्यादा खतरनाक ना हो। साक्षी मैम कुछ एंटीबायोटिक्स शायद लेके आई हैं, क्योंकि अगर ये हुआ तो मेरा काम हो जाएगा। और उंगली भी बहुत उसने चूस करके यहाँ पे डंक मारा है पौधे ने। तो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर द कैंप्स नाउ। This is the way to camps. हाँ जी सवेर होगी। गुड मॉर्निंग भाई, कितना बजे? बढ़िया। सो दीज आर टू टेंट्स that we were given. This is the first one and this is the second one. Unfortunately, इस कैंप में थोड़ा सा पानी का इशू हो गया था
और उस वजह से हमें ऊपर वाला एक और कैब कंपनसेट कर दिया उन्होंने। ये हमारे प्रभात, जिनके बारे में आप आने वाले और व्लॉग्स में भी देखेंगे। इनकी प्रभात की अकेले की एक्सप्लोरेशन बहुत तगड़ी है, तो इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, कल जो इसने कुछ खानी मचाई है उसके बारे में तो आपको पता लग ही गया होगा। प्रभात, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस ये कहना चाहेंगे आप लोगों का प्यार खींच लाया। प्यार हमें खींच लाया, तुम प्यार दोनों हुआ है भाई साहब। 3 घंटे हमें लगे, तुम्हें लगे, तुम तो बस में सोते आ गए। तो कुछ नहीं, हमारा भाई है। यस ठीक है। और ये बाकी के कैंप्स हैं, कुछ 10-12 कैंप्स हैं यहाँ पे, और मुझे नहीं लगता कभी भी यहाँ पे स्पेस की कोई दिक्कत हमारा हमारी रहती है। ये सचिन द वॉन्डरर कैंप से बाहर आते हुए और व्लॉगिंग महेंद्रो गेट के अंदर जाते हुए। सो गुड मॉर्निंग, और बारिश हो चुकी है बहुत, धीरे धीरे तेज होती जा रही बारिश। बारिश ने क्या मौसम मजेदार बना दिया है, और उसके बाद बारिश के साथ साथ बिजली जो गुल हुई है ना, उसने हमें गुल कर दिया। शुरू हो चुका है, कल रात पूरी बारिश होती रही, और अनफॉर्चुनेटली वी वर नॉट एबल टू व्लॉग और कैप्चर एनीथिंग बिकॉज बारिश बहुत तेज थी, और कम्प्लीटली 8-9 घंटे के लिए सुबह तक, इनफैक्ट 7-8 बजे तक होती रही है। अब जाके बारिश रुकी है। ऑलराइट, सो थोड़ी देर में निकलने की तैयारी है। Exploration is on. All right, so it's time to leave for the Nolte Eco Park. Mein I guess hum thoda sa time spend karenge. Uske baad we are ready to go to Delhi. Shubham bhai, time aa gaya alvida kehne ka. ठीक है, फिर दोबारा जल्दी मिलेंगे। तो ये अनिल भाई है, ये शिवम भाई है, ये हमारे राणा जी है। ठीक है, ये किचन और डाइनिंग सारा इन्होंने इंतजाम बहुत बढ़िया किया। ठीक है, इन भाइयों ने भी बहुत हेल्प करी है हमारी। और कुछ बताओ राणा जी, यहाँ के बारे में, कनातल के बारे में कुछ बताओ लोगों को। अच्छा है यहाँ पे, तो बहुत मौसम है, बहुत अच्छा है, खुश है, सब कुछ अच्छा है यहाँ। कैंप के बारे में बताओ। कैंप पे सर देखो व्यू है बढ़िया, हिमालय व्यू है फर्स्ट क्लास। क्यों सर? सर हिमालय व्यू बहुत बढ़िया दिखाई देता सर, यहाँ पूरा टेंट ना सर, कपल टेंट लगते हैं दो। समझ गए आप लोग हैं, फिर होगी मुलाकात जल्दी से, अगली बार मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट। शर्मा हूँ, मैं पेंटिंग करती हूँ, आर्टिस्ट हूँ। यहाँ पर रिफ्रेश होने आती रहती हूँ, एक महीने में तो लग ही जाता है, क्योंकि हर महीने जब भी मैं आई हूँ हर महीने कुछ नया मिलता है मुझे, कुछ नया। कभी फ्लावर होते हैं, कभी एप्पल्स होते हैं, स्नोफॉल्स होते हैं, ये सब होता है। मैं थोड़ा कॉन्शियस। All right, so it's time to leave, and let's meet Nikhil. Nikhil bhai hamare hain, he is the owner of the Kanatal Orchids, right? Aur inse baat karke pata laga, the best time to visit here is November, December and January, right? Yeah, January is right, because January snowfall is definitely in January and February. So 2 months are under snowfall. Correct. So agar nazaron ke bahut maze lene hain to in 3 mahino mein aap visit kar sakte ho. Baki Nikhil bhaiya ke contact details sab main description mein dal dunga. And thank you, Nikhil Bhaiya. Welcome. For your hospitality. Welcome. It's good. Would love to host you again. Perfect. Okay. Thank you so much. Okay. See you again. Okay. Take care.
जय हो सर। दोस्तों ध्यान से देखिए इन मनमोहक वादियों को, हम हैं इस समय कनाता, जो जाना जाता है अपने बेहतरीन मौसम, बेहतरीन मिजाज और बेहतरीन कैंपों के लिए। हम आए हैं यहाँ पे बड़ी मुश्किल से, बहुत मेहनत करते हुए, क्योंकि यहाँ का मौसम बिल्कुल अपरिचित था और सारा दिन सारा रात बरसात हुई है दबा के। देखते हैं आगे क्या एडवेंचर मिलता है। तारिक भाई, तारिक भाई, तबीयत ठीक है? ऑल गुड। चक्कर चुक्कर तो नहीं आ रहे? चलो नॉर्मल हो जाओ। बांद्रा देवी आ गई फोटो। बंदर के नाम पे आपने मेरे सामने कैमरा कर दिया।